दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों हमेशा साथ साथ स्कूल जाते हैं, साथ साथ वॉलीबॉल खेलते हैं। हमेशा स्कूल के बाद दोनों वॉलीबॉल खेलने जाते हैं और साथ साथ गिटार भी बजाते हैं। दोनों में बहुत अच्छा बनता है, ये बोले तो दोनों में एक दूसरे के लिए जान छिड़कता है। इनकी गंदी आदतें हैं चोरी करना, नशे करना, झूठ बोलना। ये पांच लड़का दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, आते जाते लड़कियों को छेड़ना, आते जाते लोगों को परेशान करना और दिन भर नशे में छूट रहे। एक दिन जब रोहन और मोहित शाम को वॉलीबॉल खेलते वापस आ रहे थे, रस्ते में उन्हें शंकर, रामू, खड़िया और विजयी और सिंधु मिल जाता है। उन्हें आते देखकर शंकर उन्हें बुलाता है और कहता है, अरे तुम कहाँ हम लोगों का साथ ऐसे कर लो, इधर आ जाओ, बहुत मजा आएगा, हम लोगों का साथ ऐसे कर लो, अच्छा लगेगा, आओ इधर आओ, आओ ना। इस बात पर मोहित कहता है, नहीं हमें नहीं जाना, हमें घर जाना है, हमें मुंबई करना है, हमारे माता पिता हमारे घर में इंतजार कर रहे हैं। पर रोहन वहां झुकना चाहता है, मोहित ने मना किया, रोहन मत जा, घर जाना है, हिम्मत करना है। रोहन मोहित का बात नहीं सुना और मोहित देखकर ले गया और रोहन चला गया। इस बात को मोहित गुस्सा होते वहां पर चला। जब रोहन कोई बात करके साथ मिला तो उनको नशा करने पर मजबूर करना है रोहन। जब रोहन ने नशे किया तो उसे बोला, नहीं मुझे नहीं करना है। फिर बोला उनको बाकी दोस्तों ने बोला, सिंधु ने बोला, जब दो बड़ा पिया तो उसको मजा आने लगा।
Frustration, violence, isolation, infection, or mental disability ka puri tarah se shikar ho chuka hai. ऐसा कोई घाट नहीं जो रोहन ने नहीं लिया हो. बहुत तरह के नशे कर रहे थे. अब रोहन के शरीर और मानसिक पूरी तरह से कमजोर हो चुका. सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार वाले को, हमारे चाहने वाले को हमसे दूर करवा पाए. ड्रग्स की वजह से हमको डिप्रेशन, आइसोलेशन, फाइनेंशियल लॉस, इन्फेक्शन और मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है. इसीलिए हमारे यंगस्टर को ये बोलना चाहूँगी. रोहन के माता पिता बहुत परेशान हैं क्योंकि घर का बहुत सामान गुम हो रहा है. जैसे कि घर का बर्तन, घर का वॉल क्लॉक, सोने की कंगन, यहाँ तक कि रोहन का पिता का पर्स से भी पैसा चोरी हो रहा है. ये सब चोरियाँ रोहन ने ही की है अपने लिए ड्रग्स, नशीले पदार्थ खरीदने के लिए. रोहन के माता पिता रोहन को समझाने को जाता है. दोनों बहुत परेशान हैं, सोचते हैं इस लड़का को क्या किया जाए. अंत में डिसीजन लिया, चलो उन्हें समझाते हैं. जब रोहन को समझाने को गया तो रोहन जो है अपने काबू पर नहीं थे. बोला, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ. छोड़ दो मुझे, मुझे अकेला रहना है. ये कहकर रोहन चला गया अपने कमरे में, दरवाज़ा बंद कर दिया. इधर रोहन के माता पिता दुख होते हुए वहाँ से चला जाता. रोहन अपने बंद कमरे में अब वो किसी से बात करना नहीं चाहता है. हमेशा अकेला बंद कमरे में रहना पसंद करता है. रोहन को अब अकेला अच्छा रहना अच्छा लगता है. अपनों से दूर हो चुका है, अकेला हो चुका है. अब तो उसका दोस्त सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार वाले को, हमारे चाहने वाले को हमसे दूर करवा पाए. ड्रग्स की वजह से हम
को डिप्रेशन, आइसोलेशन, फाइनेंशियल इंफेक्शन और मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए हमारे यंगस्टर को ये बोलना चाहूँगी, प्रोग्राम जो किया इसका मेन मोटिव तो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको कागज मिला कि दोबारा महिला समिति को इस कार्यक्रम में अवेयरनेस देने के लिए ड्रग्स के ऊपर, तो हम लोग बहुत खुशी हुआ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया, ऑफर दिया। इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स देता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और आज का जो कार्यक्रम है, जो आजकल का बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा गलत खाने पीने में जाता है, जैसे कि ड्रग्स, डेंड्राइड, ये सब कुछ बहुत हो रहा है, तो इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के हम लोग का ये हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को एक अवेयर कर देना है कि ये खराब है, इससे सिर्फ उस बच्चे का ज़िंदगी खराब है, पूरे परिवार, पूरे समाज को गंदा करता है और डूब देता है। इसे खाने पीने से सिर्फ एक पल के लिए उस बच्चे को खुशी मिल सकता है, लेकिन उसे कितनी दर्द होता है, उसकी फैमिली को, इस समाज को बर्बाद होता है, हमारे फ्यूचर जो है, आने वाला जनरेशन जो है बच्चे के ऊपर में। लेकिन आज का बच्चे इस तरह से होंगे तो आने वाला कल क्या होगा, इसलिए हम सबको ज़रूरी है मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर गांव हो, हर बस्ती हो, हर पेरेंट्स को, हर टीचर्स को, हम सबको मिलकर ये काम करना है कि किसी को ये नहीं सोचना है कि हमारे बच्चे अच्छा है, वो पढ़ाई में अच्छा है तो मैं खुश हूँ, इससे समाज में खुशी नहीं मिलती है। समाज में खुशी होना है तो सबके घर, सबके बच्चे अच्छे होंगे, तब सब एनवायरनमेंट अच्छा होगा।